हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। एक क्वेश्चन है, ए लाइन पैरालेल टू द स्ट्रेट लाइन 2x - y = 0 इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला x² + 4 - y² + 2 = 1 एट द पॉइंट x1 y1, देन x1² + 5 y1² = 2। ये वैल्यू क्या होगा? इस हाइपरबोला को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x² का 2x और ये अपन 4 माइनस वाई स्क्वायर का 2i dx(y) हो गया डिफ्रेंशिएशन, और ये अपन 2 और 1 का 0, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 4 कैंसिल, और इस तरह y dx(y) = ये x/2 हो गया, दोनों को दो साइड में लिख लेंगे तो d dx(y) = x/2y। और इसमें x1 y1 पर ये स्लोप ज्ञात करेंगे तो x1 y1 पर ये स्लोप होगा x1/2y1, जबकि कह रहा है कि इस लाइन के पैरालेल है इस हाइपरबोला के टेंजेंट, मीन्स इसके टेंजेंट का ये स्लोप, इसका स्लोप कितना है 2, क्योंकि ये y = 2x है, मीन्स ये स्लोप 2 है, और इससे कंपेयर करेंगे तो ये आ गया x1/2y1। ये दिया आपने, ज्ञात किया स्लोप, और क्वेश्चन में ये स्लोप 2 है, तो इस तरह x1 = 4y1। ये x1 y1 इस हाइपरबोला को सेटिस्फाई भी करेगा, मीन्स x1² / 4 - y1² / 2 = 1, x1² / 4 - x1 का ये वैल्यू 4y1 यहाँ रख दे रहे हैं, तो 4y1 रख के और स्क्वायर करेंगे तो 16y1² हो रहा है ये, और ये है y1² / 2 = 1। इस तरह, चलिए 4 से ये डिवाइड हो रहा है लेकिन 2 से कर रहे हैं इसको, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8y1² / 2 से y1² / 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो गया 7/2 y1² = 1, मीन्स y1² = 2/7। और ये y1² का वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में लिख लेंगे तो जबकि x1² है ये 16y1², तो x1² = 16y1² = 2/7, मीन्स 32/7 आ गया, ये आ गया x1². इस तरह x1² + 5y1² मीन्स x1² + 5y1² ये आ रहा है 32/7 + 5y1² ये 2/7। इस तरह ये ऐड करेंगे 32 और 10 तो 42/7 = 6। ऑप्शन सी सही है। इस तरह यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, ईजिली समझ में आ रहा हो तो शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।